दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ग्वालियर किले के ऊपर मानसिंह महल में। ये रहा उसका एंट्री गेट और ये हमारे साथ में पांडे जी। हेलो, चलिए लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले दुर्ग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी किलों की, तो ये ग्वालियर दुर्ग है, यानी कि बाहरी आक्रमणकारियों से राज्य के लोगों, सैनिकों और राजाओं को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षित स्थान। और यहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखी जा सकती थी, कोई भी बाहरी आक्रांता अगर राज्य पर हमला करते थे तो यहाँ से पूरा उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी और सारे लोग सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग के अंदर बुला लिया जाता था। यहाँ पे पानी की, खाने की व्यवस्था पहले से कर ली जाती थी ताकि किसी युद्ध की स्थिति में भी 6 महीने साल भर तक का राशन इसके अंदर स्टोर रहता था हमेशा, पानी भी। राइट, हाँ, ये कौन सी जगह देखते हैं आप। ये देखो, ये बाद के बने हुए हैं, ये पत्थर का देखो। आओ उधर से आओ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त हवा आ रही है यहाँ से, है ना। यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, रोशनी के लिए, रोशनी, कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ना। यहाँ से किले का इंटरनल व्यू दिखता हुआ पूरा और एक्सटर्नल भी, पूरा जौहर कुंड सामने की तरफ। तो दोस्तों, ये ग्वालियर किले का बैक साइड व्यू है। और बैक साइड के बैक साइड क्या है देखते हैं जरा। ये रहा ग्वालियर किले का बैक साइड व्यू। तो दोस्तों, हम जौहर कुंड के पास पहुंच चुके हैं। ये रही वो जगह है जहाँ पे जौहर हुआ करता था। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे उस जौहर के अलावा भी कुछ और टर्म यूज़ होती थी या नहीं होती थी। जौहर का इस्तेमाल क्षत्रिय स्त्रियाँ युद्ध के समय में उनके राजाओं, उनके पतियों द्वारा हारे जाने की स्थिति में अग्नि कुंड में या फिर पानी में कूद कर इस तरीके से आत्महत्या करने, अपने प्राणों की आहुति देने को जौहर प्रथा कहा जाता था। तो इसका नाम जौहर कुंड, आई डोंट नो यहाँ पे ये किस लिए, किस पर्पज से इस्तेमाल किया गया जौहर कुंड। आओ पांडे जी, चलो चलो चलो, चलो। मैं था आपकी बीट चेक कर रहा था। हाय, ये क्या लग रहा है, मंदिर जैसा कुछ लग रहा है समथिंग, लेट्स सी क्या है। ये देखिए, ये भी एक म्यूज़ियम है बीचों बीच जो आपको दिख रहा है किले के ऊपर से। ये किले का फ्रंट व्यू है। इसी गेट से हमने वो किया। हाँ, आप देखिए, इसी गेट से हमने एंट्री की थी, ठीक है। और
अभी हम किले के एकदम फ्रंट साइड पे ही हैं। और जस्ट इसी के सामने ये रहा जौहर कुंड। पहुंच गए हैं सास बहु मंदिर ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। यहाँ पे सास बहु मंदिर से मतलब है सहस्त्र भुजाएं। सास से मतलब बड़ा मंदिर, बहु से मतलब छोटा मंदिर, बोरा छोटा मंदिर। तो सास बहु एग्जैक्टली सास बहु नहीं है, जो मैंने यहाँ पे इनके पाषाण में जो लिखा हुआ है इसका डिटेल लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ था सहस्त्र बहु। तो बाद में जाके ये उसका अपभ्रंश बना, अपनी तरफ से बना दिया सास बहु। सास से मतलब बड़ा मंदिर, बहु से मतलब छोटा मंदिर। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं इसके अंदर की मेन एंट्री। और ये 11वीं शताब्दी में 1093 ईस्वी में बना था ये मंदिर। मतलब इसका जो निर्माण है वो एक चरण में नहीं हुआ था, काफ़ी चरणों में हुआ। और ये रहा प्रस्तर, मैंने बोला था पाषाण प्रस्तर अभिलेख, पाषाण पे बना हुआ ये इसका प्रस्तर अभिलेख है। इसके विषय में शायद डिटेल में लिखा हुआ है, आई डोंट नो कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। खैर बाय द वे अंदर चलते हैं। देखिए कितना ज़्यादा कलाकृति और पत्थरों को इतना तराश के बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मंदिर है स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अब फिलहाल तो इसमें चमगादड़ रहते हैं, चमगादड़ों ने इसको अपना बसेरा बनाया हुआ है। और स्मेल चमगादड़ों से बहुत ज़्यादा आ रही है इस मंदिर में से। और ये कौन सा है, माय गॉड, ये गर्भगृह है मंदिर का। और गर्भगृह में स्मेल भी वैसी आ रही है ज़बरदस्त। मूर्ति वूर्ति कुछ है नहीं, मुगलों के बाद मूर्तियाँ तोड़ दी गई, मंदिरों को भी शायद, हाँ राइट राइट, शायद इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके अंदर कोई बेसिक हुआ ढांचा रहा होगा, हाँ इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। हो सकता है इससे भी बहुत बड़ा, सहस्त्र बाहु का मतलब हजार भुजा, हाँ सहस्त्र बाहु से मतलब यहाँ पे हजार भुजाओं से है। तो हो सकता है कि इसकी भुजाएं हो इतनी सारी। हाँ चलिए आप चलते हैं बहु मंदिर में। ये सास मंदिर था, ये रहा बहु, सास मतलब बड़ी, बहु मतलब छोटा मंदिर। चलिए आइए बहु मंदिर के अंदर घूम के आते हैं। इसके स्तंभों पर भी वाह भाई वाह, ये भी कलाकृति में बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आर्ट में। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ गोदा गया है, पता नहीं बाद में गोदा गया है या पहले ही है। अच्छा ये बाद में नहीं गोदा है, शायद पत्थर के साथ ही है। ये भी देखिए यहाँ पे गोदा गया है, ये चीज़ यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो ये रहा बेसिकली सास बहु मंदिर।
फाइनली मैं बैठ चुका हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए और मैंने अपनी सीट ले ली है। सी यू एट दिल्ली, बाय।